नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका की व्रत की कथा सुनाऊंगी। कहते हैं कि इसकी कथा का अपना खास महत्व है। अगर व्रत रखकर आपने कथा नहीं सुनी तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। अगर आपने व्रत नहीं किया तो भी अगर आप इसकी कथा सुनते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। इसलिए इस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण आप जैसे पति मुझे मिले। भगवान बोले, तुमने बहुत उत्तम पुण्य किए थे जिससे तुम मुझे प्राप्त हुई। वो बहुत उत्तम व्रत है। आज मैं तुम्हें उस व्रत के बारे में बताता हूँ। ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन मनाया जाता है, जो हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतों में हरतालिका तीज का व्रत श्रेष्ठ है। जो हरतालिका तीज का व्रत हस्त नक्षत्र में पड़े वो बहुत श्रेष्ठ होता है। पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे इस व्रत को किया था? भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। तू राजा हिमाचल और रानी मैना के घर पैदा हुई थी। बाल्यकाल से ही तुमने मेरी आराधना शुरू कर दी थी। तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेलियों के साथ मुझे पाने के लिए बहुत कठिन तप किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर बैठकर, वर्षा ऋतु में पानी में बैठकर, सर्दी में ठंड में बैठकर मेरा ध्यान करा। इसलिए 6 ऋतुओं में बहुत कठिन तपस्या करने पर भी जब तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ तब तुमने सिर्फ वायु खाकर मेरा घोर तप किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को क्षीण किया। इतनी कठोर तपस्या को देखकर राजा हिमाचल को चिंता हुई और वो तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। उसी बीच देव ऋषि नारद जी तुम्हारे पिताजी के पास आए और तेरे पिताजी ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णु भगवान जी ने मुझे भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या को सुयोग्य वर मिले। अगर आपकी कन्या को विष्णु भगवान जैसा पति मिले तो आपको मंजूर है? राजा हिमाचल ने कहा, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। मैं अवश्य ही विष्णु भगवान जी को अपनी कन्या दान करूँगा। नारद जी ने वैकुंठ पहुँचकर विष्णु भगवान जी को सारा समाचार सुनाया। उधर महाराजा हिमाचल ने वन पहुंचकर तुम्हें सारा समाचार सुनाया। सुनते ही तुम्हें बहुत दुख हुआ और तू विलाप करने लगी। विलाप देखकर और अपनी सहेली उमा की इच्छा देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा में ले जाऊंगी जहां से राजा हिमाचल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर सखी उमा सहित विलीन हो गई। तब राजा तुम्हें याद करते करते विलाप करने लगे और कहने लगे कि मैं विष्णु भगवान जी को क्या उत्तर दूंगा। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं अपना वचन अब कैसे पूरा करूंगा। सभी पुरवासियों को साथ लेकर वो तुम्हें ढूंढने निकले। वो चिंता कर रहे थे कि उनकी पुत्री को कोई अजगर ने खा लिया है या सर्प ने सूंघ लिया है या कोई राक्षस ही उसको हर ले गया है। और तू सहेली के साथ गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल नदी की बालू से मेरा लिंग बनाकर पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास का हस्त नक्षत्र योग तृतीया तिथि थी। तेरी इस कठोर तपस्या से मेरा सिंहासन डोल उठा और मैंने तुम्हें दर्शन दिए और कहा कि देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम अपनी मनोकामना मुझे बताओ। तुमने कहा, भगवान आप जानी जान हो, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान एव मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब तुम सहेलियों सहित अपने घर वापस गई। तब राजा हिमाचल ने शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे सौभाग्यशाली, जिस सहेली ने तुम्हें तुम्हारा हरण कर गुफा में रखा था, उसी के नाम के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। पार्वती जी बोली, हे भगवान, आपने सब कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो कर दिया, पर आपने मुझे इस व्रत का विधान नहीं बताया। भगवान बोले, ये व्रत कुवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाओं दोनों को करना चाहिए। यह व्रत भाद्र शुक्ल की द्वितीय तिथि की शाम को आरंभ करना चाहिए। ये व्रत बिना आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा बालू रेत से बनाकर करना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित कर केले पुष्प आदि के स्तंभ लगाकर रेशमी वस्त्र तान कर बंधनवार लगाकर मंत्र शंख मृदंग बजाकर रात्रि जागरण करके करना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार है, जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शुभ प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सभी संतों में रे तुम्हारी, जय हो अन्न दाता जय जग माता। उसके बाद भगवान को अपनी जो भी इच्छा हो भगवान के सामने वो प्रकट करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें, फिर चतुर्थी को लिंग को किसी नदी में विसर्जित करें और तीन ब्राह्मणों को बुलाकर दक्षिणा देकर उसके बाद व्रत का पारण करके भोजन ग्रहण करें। भगवान बोले, जो इस व्रत को रखकर चोरी से अन्न खाती है वो शुक्री का जन्म पाती है, जो दूध पीती है वो सर्पणी, और जो मांस खाती है वो बाघनी, जो मिठाई खाती है वो चींटी, और जो सब खाती है वो मक्खी का जन्म लेती है, और जो सोती है उसको अजगर का जन्म मिलता है। इसलिए इस दिन बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। जो इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ करती है उसको मेरे जैसा पति मिलता है और अंत में संसारिक सुख भोगकर परलोक में मुक्ति पाती है। इस प्रकार ये कथा पूरी हुई। जो इस कथा को सुनता है श्रद्धा पूर्वक उसको अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा भक्ति से सुनना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।